नमस्कार दोस्तों, ई लर्निंग में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, मैं आपके सामने आपका दोस्त महेश चौधरी उपस्थित हूँ इकोनॉमिक सब्जेक्ट के साथ। दोस्तों, आज इस लेक्चर के अंदर अपन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ जनरल बातें उसकी क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। अगर जनरल बातों की बात करें, यानी अपन सबसे पहले यही बात कर लेते हैं कि इकोनॉमिक्स वर्ड है ये कौन सी लैंग्वेज से आया गया है या कहाँ से या कैसे बना गया है, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों, अगर अपन इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स को अपन हिंदी के अंदर अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों अपन इकोनॉमिक्स वर्ड की बात करें, दोस्तों इकोनॉमिक वर्ड है ये ग्रीक लैंग्वेज से आया है। कौन सी लैंग्वेज से है? ग्रीक लैंग्वेज से, ठीक है। और ग्रीक लैंग्वेज का जो वर्ड है वो कौन सा है? ओइकोनोमिकस। किससे है? ओइकोनोमिकस वर्ड है। कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है? ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, जिससे किसका डिराइवेशन हुआ है? अपने इकोनॉमिक्स वर्ड है ये डिराइव हुआ है, ठीक है। जिस प्रकार के दोस्तों बात करें इकोनॉमिक्स को, ये इकोनॉमिक्स है इंग्लिश वर्ड हो गया। इकोनॉमिक्स को हिंदी के अंदर अपन किसके नाम जानते हैं? अर्थशास्त्र के नाम जानते हैं। उसी प्रकार जो ये ग्रीक लैंग्वेज है, ग्रीक में इकोनॉमिक्स को किसके नाम जानते हैं? ओइकोनोमिकस के नाम से जानते हैं, जो क्या ग्रीक वर्ड है। दोस्तों, ये ओइकोनोमिकस है ये भी टू वर्ड से मिलकर बना है। एक तो कौन सा है? ओइकोनोमस। ओइकोस कौन सा है? ओइकोस प्लस दोस्तों सेकंड वर्ड कौन सा है? नोमस। कौन सा है? नोमस। दोस्तों ओइकोस मीन्स बात करें तो ओइकोस का ही इंग्लिश के अंदर मीन्स होता है हाउस होल्ड। क्या होता है? हाउस होल्ड। नेक्स्ट अगर दोस्तों अगर अपन बात करें नोमस की बात करें तो दोस्तों नोमस है, इसका मीन्स होता है मैनेजमेंट। क्या होता है? मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, ठीक है। तो दोस्तों एक तरीके से अपन कह सकते हैं कि हाउस होल्ड मैनेजमेंट है उसको अपन किसके नाम जानते हैं? इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। यानी अपन वापस कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स है ग्रीक लैंग्वेज के ओइकोनोमिकस वर्ड से मिलके बना है। ओइकोनोमिकस है ये भी टू वर्ड से डिराइव है। एक तो कौन सा है? ओइकोस। ओइकोस मीन्स क्या होता है? हाउस होल्ड। और सेकंड कौन सा है? नोमस। नोमस मीन्स होता है मैनेजमेंट, यानी हाउस होल्ड मैनेजमेंट है उसी को अपन किसके नाम जानते हैं? इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं। अगर दोस्तों वो जनरल एग्जाम्पल लें तो ये ले सकते हैं कि मान लेते हैं कि आप घर से बाहर रह रहे हैं और आपके घर वाले हैं आपके पर मंथ 10,000 रुपीज़ है वो ट्रांसफर करते हैं। 10,000 रुपये पर मंथ आपके घर वाले आपको भेजते हैं ताकि आपका खर्चा आसानी से निकल जाए। अगर दोस्तों आपके खर्चे की मैं स्टडी करूँ, ठीक है, कि आपके पास 10,000 रुपये है, उनमें 10,000 में से आपने रूम रेंट कितना दिया है, खाने पर कितना इन्वेस्ट किया है, या उन 10,000 रुपये को आपने किस प्रकार से मैनेज किया है जिसके कारण आपका एक महीना है वो आसानी से निकल जाए, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि 10,000 रुपये घर वालों ने अभी डलवाए हैं, 5,000 रुपये के पेंट और शर्ट खरीद लिए, 5,000 रुपये के क्या खरीद लिए अपने जूते खरीद लिए, ये लो 10,000 रुपये। अगर दोस्तों 10,000 रुपये को अपने इस प्रकार से इन्वेस्ट कर देंगे तो अपन खाएंगे कि अपने महीने कैसे निकलेगा, ठीक है। तो उस 10,000 रुपये को आप एक महीने के लिए किस प्रकार से मैनेज करते हैं उसी को अपन किसके नाम से जानते हैं? इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं। अगर दोस्तों अपन जनरल लैंग्वेज में कहें तो जनरल लैंग्वेज उनको अपन है वो इकोनॉमिक्स को इस प्रकार से क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। यानी इकोनॉमिक्स इज द स्टडी of relationship arising from wealth getting and using activity, ठीक है। वापस रिपीट कर रहा हूं, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप arising from wealth getting and using activity, यानी अपने पास जो वेल्थ है वो कहां से तो आ रही है और इस वेल्थ को अपन किस प्रकार से इन्वेस्ट कर रहे हैं, इनका जो रिलेशनशिप है इसकी स्टडी करते हैं उसी को अपन दोस्तों किसके नाम जानते हैं? इकोनॉमिक्स के नाम से जानता है। ये जनरल बात होगी, अपन को डेफिनेशन वगैरह वैसे भी एग्जाम के अंदर पूछी जाती तो है नहीं, लेकिन थोड़ा सा अपन इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों अगर अपन बात करें, नेक्स्ट बात करें दोस्तों इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ फादर है उनकी बात कर लेते हैं, जैसे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन हो गया, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कौन है, इन सब की अपन थोड़ी सी क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर दोस्तों बात करें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बात करें, ठीक है, यानी फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है ये अपन किसको कहते हैं? तो अगर दोस्तों अपन फादर ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करें तो दोस्तों फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है ये अपन एडम स्मिथ को कहते हैं। किसको कहते हैं? एडम स्मिथ, ठीक है। दोस्तों एडम स्मिथ है ये जो साइंटिस्ट है, इन्होंने एक बहुत ही फेमस बुक है ये क्या की थी, लिखी थी, और उस बुक का नाम क्या दोस्तों, बुक की बात करें तो इन्होंने बुक लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। तो आपको याद रखना दोस्तों वेल्थ ऑफ नेशन बुक है, इसका राइटर कौन है? एडम स्मिथ, जिसको अपन किसके नाम जानते हैं? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं। दोस्तों बहुत ही फेमस बुक है, और दोस्तों इसका जो रिटर्न है ये किया गया था 1776 के अंदर। कब किया गया था? 1776 के अंदर। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ है। नेक्स्ट अगर दोस्तों बात करें फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स की बात करें, किसकी बात करें? मॉडर्न इकोनॉमिक्स। तो दोस्तों फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स है ये अपन किसको कहते हैं? जे एम किन्स को कहते हैं। किसको कहते हैं? जे एम किन्स है,
इन कूपन किसके नाम से जानते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार दोस्तों अगर बात करें तो इकोनॉमिक्स और मॉडर्न इकोनॉमिक्स की बात होगी, लेकिन दोस्तों जो पूर्णपी सब्जेक्ट है वो पढ़ रहे हैं वो कौन सा है, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स है। कौन सा है, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स है। तो दोस्तों कोई ना कोई तो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है, उसका भी क्या होने वाला है, फादर होने वाला है। तो दोस्तों अगर अपन बात करें फादर ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, किसकी बात करें, फादर ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। तो दोस्तों अगर बात करें फादर ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स है ये अपन किसको जानते हैं, हेनरी चार्ल्स टेलर, इनको अपन किसके नाम जानते हैं, फादर ऑफ है एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। ठीक है, इन फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ, जिन्होंने एक बहुत ही फेमस बुक लिखी थी, कौन सी बुक है, वेल्थ ऑफ नेशन। नेक्स्ट दोस्तों बात करें मॉडर्न इकोनॉमिक्स, तो मॉडर्न इकोनॉमिक्स के जो फादर है वो किसको कहते हैं, जेमकिंस को कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करें एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, तो हेनरी चार्ल्स टेलर, इसको अपन मॉडर्न यानी सॉरी अपन जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है इनके फादर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये तो कुछ जनरल बातें हो गई, फादर किसको कहते हैं या जो इकोनॉमिक्स वर्ड है कहाँ से डिराइव हुआ है। अब दोस्तों अपन बात करने वाले हैं कि अलग अलग साइंटिस्ट है, अलग अलग फिलोसोफर्स है, वो इकोनॉमिक्स को अलग अलग तरीके से उन्होंने क्या किया है, डिफाइन किया है। तो दोस्तों अपन बात कर लेते हैं कि कौन कौन से जो इकोनॉमिक्स है उन्होंने इकोनॉमिक्स को किस तरीके से डिफाइन किया है, जो उनके एग्जाम के अंदर डायरेक्ट यहाँ से क्या पूछ जाता है, क्वेश्चन पूछ जाता है। तो दोस्तों अपन सबसे पहले इन्हीं की क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं कौन से फिलोसोफर ने इकोनॉमिक्स को किस तरीके से क्या किया है, डिफाइन किया है। ठीक है, अब दोस्तों सबसे पहले अगर अपन बात करें जो इकोनॉमिक्स यानी वेल्थ डेफिनेशन है, वेल्थ यानी जो इकोनॉमिक्स है इसकी जो वेल्थ से रिलेटेड जो डेफिनेशन है ये किसने दी थी दोस्तों, एडम स्मिथ ने दी थी। किसने दी थी, एडम स्मिथ। ठीक है, एग्जाम के अंदर उनको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, द वेल्थ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स वॉज गिवन बाई, तो कौन से फिलोसोफर के द्वारा दी गई थी, एडम स्मिथ के द्वारा दी गई थी, जिसको अपन फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर दोस्तों बात करें जो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है ये वेलफेयर से रिलेटेड है, ये कौन से साइंटिस्ट के द्वारा दी गई थी, अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा। किसके द्वारा, अल्फ्रेड मार्शल साइंटिस्ट है, इन्होंने जो इकोनॉमिक्स है उसको किससे रिलेटेड डिफाइन किया था, वेलफेयर से रिलेटेड डिफाइन किया था। नेक्स्ट अगर दोस्तों बात कर लेते हैं स्केयरसिटी, स्केयरसिटी तो दोस्तों इकोनॉमिक्स है, इसको स्केयरसिटी से रिलेटेड जो डिफाइन किया था वो किन्होंने डिफाइन किया था, रॉबिन्स ने किया था। कौन से ने किया था, जो रॉबिन्स है इन्होंने जो इकोनॉमिक्स है इसको स्केयरसिटी से रिलेटेड क्या किया था, डिफाइन किया था। नेक्स्ट दोस्तों बात करें ग्रोथ की, बात करें तो दोस्तों इकोनॉमिक्स है इसको ग्रोथ से रिलेटेड जो डिफाइन किया था ये किन्होंने किया था, जे एम किन्स ने किया था। किन्होंने किया था, जे एम किन्स ने किया था। ठीक है, तो दोस्तों ये तो बात होगी कि किसको कहा, किसने कहा कि सर आप पढ़ा रहे हो, अगर ऐसे ही में रट्टे मारने होते तो हम खुद ही रट्टे मार देते, ये सो तो बुक में दे रखा है आपके पढ़ाने का क्या फायदा है। ठीक है, तो दोस्तों उनके बारे में थोड़ी सी डिटेल से बात कर लेते हैं। दोस्तों एडम स्मिथ ने क्या कहा कि जो वेल्थ है वही सब कुछ है, यानी इन्होंने क्या कहा कि मनुष्य से ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो वेल्थ होती है। ठीक है, यानी इकोनॉमिक्स को क्या कहा, एक तरीके से वेल्थ के रूप में डिफाइन किया, इन्होंने ज्यादा इंपॉर्टेंस है वो किसको दिया, वेल्थ को दिया था। जब दोस्तों वेल ये अल्फ्रेड मार्शल आया तो इन्होंने क्या कहा कि वेल्थ के कंपेयर में जो ह्यूमन वेलफेयर है वो क्या होता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और उन्होंने जो ह्यूमन वेलफेयर है इनको वेल्थ के कंपेयर में क्या किया था, ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया था। इसका मतलब कह सकते हैं कि जो वेलफेयर से रिलेटेड जो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है वो कौन से साइंटिस्ट ने दी थी, अल्फ्रेड मार्शल ने दी थी। नेक्स्ट दोस्तों रॉबिन्स की बात करें तो इसने स्केयरसिटी से रिलेटेड दी थी, स्केयरसिटी मीन्स कह सकते हैं अगर लिमिटेड रिसोर्सेज है। ठीक है, यानी लिमिटेड रिसोर्सेज है तो इन लिमिटेड रिसोर्सेज से अपन किस प्रकार ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन है वो क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं, इसको अपन स्केयरसिटी के नाम से जानते हैं। यानी मान लेते हैं कि मेरे पास 100 रुपए हैं और मुझे खाना खाना है, ठीक है, तो मैं 100 रुपए की क्या परचेसिंग करूं कि जिसके कारण मेरा पेट भी बढ़ जाए और मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाए। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो डेफिनेशन थी वो किसने दी थी, रॉबिन्सन ने दी थी। यानी कम से कम, यानी जो लिमिटेड रिसोर्स है मेरे पास, रिसोर्स लिमिटेड है कि मेरे जो 100 रुपए हैं उसमें मुझे पेट भी बनना चाहिए और मुझे ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन भी मिलना चाहिए। तो जो स्केयरसिटी से जो रिलेटेड या अपन कह सकते हैं कि जो लिमिटेड रिसोर्सेस से जो रिलेटेड डेफिनेशन थी वो किसने दी थी, रॉबिन्सन ने दी थी। नेक्स्ट दोस्तों बात करें जेम किन्स, इन्होंने ग्रोथ से रिलेटेड क्या की थी, इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया था कि जैसे अपन बात करें नेशन की बात करें तो इसकी इकोनॉमी है इसमें किस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, इंक्रीजमेंट कर सकते हैं, इसकी इकोनॉमी किस प्रकार से ग्रोथ होती है, तो ग्रोथ से रिलेटेड जो डेफिनेशन थी वो किसने दी थी, जेम किन्स ने दी थी। ठीक है दोस्तों, यहां से मैं आपको थोड़ी सी ट्रिक बताने वाला हूं कि किस तरीके से अपन इसको याद रखते हैं, कि दोस्तों ये चारों वर्ड लिखे हैं, चारों वर्ड दिमाग में भी रहेंगे, ये साइंटिस्ट ये भी याद रहते हैं, लेकिन दोस्तों जब एग्जाम के अंदर को पूछ जाता है द वेल्थ रिलेटेड
डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स वॉज गिवन बाई, तो उसमें अपन क्या होता है कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्या होता है कन्फ्यूज। तो इस कन्फ्यूजन को अपन को क्या करना है, दूर करना है। और दोस्तों मैंने जहाँ तक पढ़ा है या जहाँ तक मैं स्टडी करता हूँ, तो मैं ये मानता हूँ कि अगर अपन किसी भी डेफिनेशन को या किसी वर्ड को अपन किसी से को रिलेटेड कर देते हैं, तो वो वर्ड है अपन को ईजी याद रहता है और लंबे समय तक क्या रहता है, याद रहता है। तो दोस्तों कुछ यहाँ पर भी अपन क्या कर लेते हैं, इसे थोड़े बहुत को रिलेटेड कर लेते हैं, ठीक है। और दोस्तों एडम स्मिथ है, इसको अपन फादर ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के नाम जानते हैं, यानी इसने अपने पूरी लाइफ साइकिल के अंदर पूरे जीवन काल में इसकी जो सबसे बढ़िया या सबसे ज्यादा वेल्थ थी, ठीक है, वो कौन सी थी कि इनको अपन फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसकी वेल्थ क्या होगी, ये होगी कि इसने जिंदगी के अंदर इन्होंने कितने पैसे कमाए हो नहीं कमाए हो उनको अपन नहीं जानते, लेकिन इनका आज भी अपन नाम लेते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो सबसे बड़ी वेल्थ थी वो कौन सी थी, ये फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहलाते हैं। तो दोस्तों अपन ये कह सकते हैं कि एडम स्मिथ है, इन्होंने किस रिलेटेड वेल्थ से रिलेटेड डेफिनेशन दी, ठीक है। सेकंड बात करें, इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं, जेमकिंस को कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। तो दोस्तों ग्रोथ किसने कर ली, इन्होंने तो वेल्थ से रिलेटेड दी, इसके लिए वेल्थ थी, लेकिन सबसे ज्यादा ग्रोथ किसने की, ये तो फादर ही कहलाता है, ये फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। तो ग्रोथ किसने कर ली, जेमकिंस ने। तो जो ग्रोथ से रिलेटेड डेफिनेशन है वो किसने दे दी, जेमकिंस ने दे दी, ठीक है। दोस्तों ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है, ये समझा नहीं रहा हूँ, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों बात करें अल्फ्रेड मार्शल के नाम से। दोस्तों आपको याद हो तो एक फोर व्हीलर आती है मार्शल के नाम से, इसका नाम है मार्शल, ठीक है। अब दोस्तों जैसे कि मैं मार्शल खरीद के ले आऊँ, ठीक है, मार्शल खरीद के ले आऊँ, अभी क्या हो रहा है, रेनी सीजन आ रही है, तो रेनी सीजन में क्या करूंगा, मैं तो घूमने के लिए जाऊंगा ये मार्शल लेके, दो चार फ्रेंड उनको भी ले जाऊंगा कि यार गाड़ी जा रही है चल तुम भी आ जाओ अपन घूमने चलते हैं, ठीक है। यानी मैं कल्याण कर रहा हूँ, वेलफेयर कर रहा हूँ, मैं तो जा रहा हूँ साथ साथ दोस्तों को भी घुमा के लेके आ रहा हूँ। तो आपको यार करना है मार्शल है, उसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, वेलफेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों को पिकनिक के ऊपर घुमाने के लिए ले जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको यार करना है जो मार्शल है, इन्होंने वेलफेयर से रिलेटेड थे इकोनॉमिक्स को क्या किया था, डिफाइन किया था। नेक्स्ट दोस्तों बात करें स्केयरसिटी, स्केयरसिटी है ये अपन किसने दी थी, रोबेसन ने दी थी। तो थोड़ा सा आप ये याद कर सकते हैं, ठीक है, कि स्केयरसिटी स्केयरसिटी है, इसकी डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई थी, रोबिनसन ने दी गई थी, ठीक है। तो दोस्तों ये पुण्य कुछ वेल्थ से रिलेटेड क्या कर लिए अपन, बात के लिए कि वेल्थ से रिलेटेड एडम स्मिथ, वेल्थ से रिलेटेड अल्फ्रेड मार्शल, स्केयरसिटी से रिलेटेड रोबिनसन, और ग्रोथ से रिलेटेड जो इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया था किसने किया था, जेम किसने किया था, ठीक है। तो ये दोस्तों अपन इकोनॉमिक्स की कुछ जनरल बातें क्या है कर चुके हैं, ठीक है। अब दोस्तों अपन नेक्स्ट आगे हैं वो अपन क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। अब दोस्तों अपन बात करेंगे यानी अप्रोचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, उसकी क्या करेंगे बात करेंगे कि इकोनॉमिक्स है इनके कितने अप्रोच होते हैं, या अपन एक तरीके से ये कह सकते हैं डिवीजन ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ अप्रोचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, अप्रोचेज ऑफ इकोनॉमिक्स कह सकता हूँ, या इसको अपन कह सकते हैं डिवीजन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो दोस्तों अगर अपन अप्रोचेज ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करें, तो दोस्तों इकोनॉमिक्स के टू अप्रोच होते हैं, यानी दो अप्रोच होते हैं, एक तो ट्रेडिशनल अप्रोच होता है, ठीक है, यानी पारंपरिक अप्रोच होता है, और सेकंड कौन सा होता है, मॉडर्न होता है, यानी मॉडर्न यानी अपन कह सकते हैं आधुनिक अप्रोच होता है। तो दोस्तों अपन सबसे पहले बात करने वाले हैं ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करते हैं, किसकी करते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है। अगर दोस्तों अपन ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करें, यानी पुराने टाइम की बात करें, इसके ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करें, तो दोस्तों इसके ट्रेडिशनल अप्रोच में अपन किसकी स्टडी करते हैं, एक तो अपन प्रोडक्शन की स्टडी करते हैं, किसकी करते हैं, प्रोडक्शन, ठीक है। तो दोस्तों प्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है, और पास कोई भी इनपुट है उस इनपुट को आउटपुट में बदलने क्या कहलाता है, प्रोडक्शन कहलाता है, ठीक है। तो अपन ये कह सकते हैं कि किसी भी इनपुट को आउटपुट में बदलना प्रोडक्शन कहलाता है। और दोस्तों प्रोडक्शन के द्वारा यूटिलिटी है वो क्रिएट की जाती है, कोई भी वस्तु है उसकी क्या की जाती है, यूटिलिटी क्रिएट की जाती है। तो आपको ये भी याद रखना है कि प्रोडक्शन है ये यूटिलिटी क्रिएट करता है, ठीक है। और दोस्तों यूटिलिटी क्रिएट कैसे करता है, अपन थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि अपन बात कर रहे हैं अपन पेड़ी की और राइस की बात कर लेते हैं। पेड़ी क्या होता है, जो अपन कह सकते हैं जो कच्चा धान होता है, इन धान कहते हैं पेड़ी को, और चावल को अपन क्या कहते हैं, राइस के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों पेड़ी है उसकी मार्केट वैल्यू थोड़ी सी क्या होती है, कम होती है, क्योंकि उसको अपन डायरेक्ट क्या नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते हैं। जबकि दोस्तों जो पेड़ी है उसका जो भी छिलका वगैरह उसको उठा के उसको अपन किस में कन्वर्ट कर देते हैं, राइस में बदल देते हैं, उसका छिलका हटा देते हैं, ठीक है। तो वो चावल उसको अपन डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, यानी अपन कह सकते हैं कि पेड़ी को चावल में बदल कर या राइस में कन्वर्ट करके उसकी यूटिलिटी उसको अपन ने क्या कर दिया है, इंक्रीज कर दिया है, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों अपन डेयरी मिल्क की बात कर सकते हैं कि जो मिल्क वगैरह है, दूध है, उसकी अपन इतनी यूटिलिटी नहीं है जितनी यूटिलिटी किसकी है, मिल्क की है। इसी प्रकार बात करें अपने पास आलू के चिप्स वगैरह आती है, तो आलू को अपन डायरेक्ट खाना इतना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन दोस्तों अगर इसी आलू को अपन किस में कन्वर्ट कर दें, चिप्स में कन्वर्ट कर दें, किस में कन्वर्ट कर दें, चिप्स उसमें कन्वर्ट कर देंगे, तो चिप्स है उसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, ठीक है।
तो उनका कह सकते हैं यूटिलिटी उसको क्या करते हैं, उन क्रिएट कर सकते हैं। तो प्रोडक्शन के द्वारा यूटिलिटी उसको क्या किया जाता है, क्रिएट किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करें अपन कंजप्शन की, बात करते हैं किसकी बात करते हैं, कंजम्पशन की बात करते हैं। कंजम्पशन मींस कह सकते हैं कोई भी अपने पास कोई ह्यूमन वांट होती है, तो ह्यूमन है वो क्या करता है अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करता है, कोई भी वस्तु उसको क्या कर लेता है, कंज्यूम कर लेता है, कोई भी गुड्स उसको कंज्यूम कर लेता है, ठीक है। और जो दोस्तों सेकंड बात करें, जो कंजम्पशन है इस कंजम्पशन के द्वारा यूटिलिटी इसका डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, किस क्या कर दिया जाता है, यूटिलिटी डिस्ट्रॉय की जाती है, ठीक है। और यूटिलिटी डिस्ट्रॉय यानी इसकी जो भी यूटिलिटी है, उपयोगिता है, उसको क्या कर देते हैं अपन, नष्ट कर देते हैं। तो उसको अपन किसके नाम जानते हैं, कंजप्शन के नाम जानते हैं। तो आपको याद रखना है प्रोडक्शन के द्वारा यूटिलिटी क्रिएट होती है, जबकि कंजप्शन के द्वारा क्या होती है, यूटिलिटी है इसका डिस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों बात करें कंज्यूम, जैसे ह्यूमन वांट है, जैसे कि मैं बात कर लेता हूँ, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास ये चोक है, ठीक है। इस चोक का क्या करता हूँ, मेरे लिए इसकी यूटिलिटी है अभी, क्योंकि मुझे लिखने के लिए किसकी आवश्यकता है, चोक की आवश्यकता है। अगर मुझे लिखना है तो मुझे यहाँ पे चोक चाहिए, अभी मार्कर मेरे पास है, लेकिन मार्कर की मेरे यहाँ पे कोई भी यूटिलिटी नहीं है, तो मेरे लिए अभी जो प्रेजेंट टाइम यूटिलिटी है वो किसकी है, चोक की है। अब दोस्तों मुझे मेरी जो वांट है, वांट क्या है, मुझे लिखना है, ठीक है, मेरी आवश्यकता है कि मुझे लिखने के लिए किसकी आवश्यकता है, चोक की आवश्यकता है। तो दोस्तों मैं मेरी वांट है यानी लिखने की जो वांट है उसको क्या करना है, मुझे सेटिस्फाई करना है, उसके लिए क्या कर रहा हूँ, मैं इसको लिख रहा हूँ। तो इसको लिख रहा हूँ तो इसका क्या हो रहा है, कंजप्शन हो रहा है। अब दोस्तों धीरे धीरे जैसे जैसे मैं इसे लिख रहा हूँ, ये पाउडर फॉर्म में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, यानी इसकी यूटिलिटी वो रिड्यूस हो रही है। अब अगर इस पाउडर की बात करें दोस्तों, ये पाउडर जो भी है इसका मैं वापस यूज नहीं कर सकता हूँ, इस चोक की जो यूटिलिटी है मेरे लिए वो क्या हो गई है, जीरो हो गई है, इस पाउडर का वापस मैं यूज नहीं कर सकता हूँ। दोस्तों इस जो चोक है इसको अपन क्या कर सकते हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी जो यूटिलिटी है, जो इसकी जो राइटिंग पावर है वो क्या हो रही है, नेस्ट हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से कह सकते हैं यूटिलिटी इसके द्वारा जो कंजप्शन है उसके द्वारा यूटिलिटी उसको क्या कर दिया जाता है, डिस्ट्रो कर दिया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों अपन बात करें एक्सचेंज की, बात करें किसकी बात करें, एक्सचेंज, ठीक है। एक्सचेंज मींस क्या होता है, ट्रांसफर होता है, एक तरह से ट्रांसफर, ठीक है, यानी ट्रांसफर ऑफ वन गुड्स टू अनदर पर्सन, यानी वन पर्सन टू अनदर पर्सन जो गुड्स उसका ट्रांसफर किया जाता है उसको किसके नाम जानते हैं, एक्सचेंज के नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास चोक है, अगर ये चोक मैं आपको दे दूँ, ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया, ठीक है। मेरे पास थी ये चोक, ये मैंने किसको दे दी, आपको दे दी, तो ये क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं जो ट्रांसफर है उसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, वन पर्सन टू अनदर पर्सन वो क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे दोस्तों अगर अपन पुराने समय की बात करें, तो पुराने समय में क्या होता था, जैसे कि अभी तो क्या करते हैं, कोई भी वस्तु चाहिए होती है तो अपन मार्केट में क्या करते हैं, पैसा लेके जाते हैं और पैसा देके उस वस्तु को खरीद लेते हैं। लेकिन दोस्तों अगर पुराने समय की बात करें, तो पुराने समय में क्या होता था कि वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी, ठीक है। जैसे बात कर लेते हैं, आपके पास गेहूं है, मेरे पास चावल है, ठीक है। अब आपको अगर चावल की जरूरत है, मेरे को गेहूं की जरूरत है, तो अपन दोनों आपस में क्या कर लेते हैं, अदला बदली कर लेते हैं, ठीक है, एक्सचेंज कर लेते हैं। इसको किसके नाम जानते हैं, एक्सचेंज के नाम जानते हैं। तो दोस्तों जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसके अंदर अपन किसकी बात करते हैं, एक्सचेंज की भी क्या करते हैं, बात करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करें डिस्ट्रीब्यूशन की, बात करें किसकी बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें। तो दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स होता है कोई भी अपने पास वस्तु है उनका क्या करता है, वो ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन ए टू टाइप्स का होता है, एक पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक सेकंड कौन सा होता है, फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करें इसकी ट्रेडिशनल अप्रोच बात करें, जो फिफ्थ होता है इसके अंदर किसकी बात करते हैं, पब्लिक फाइनेंस की बात करते हैं, ठीक है, पब्लिक फाइनेंस, ठीक है। दोस्तों अपन पब्लिक फाइनेंस में समझ सकते हैं, जो प्रेजेंट टाइम में देखें तो अपने ऊपर सरकार है बहुत सारे टैक्स लेती है, ठीक है। जैसे यानी नॉर्मली बात करें जीएसटी की बात कर लेते हैं, तो जीएसटी वो भी क्या है, पब्लिक फाइनेंस है। तो पुराने समय में भी ऐसा होता था कि जो राजा महाराजा वो क्या करते थे, जो फार्मर्स है ये क्या करते हैं, जब क्रॉप प्रोडक्शन करते थे, उनमें से कुछ जो प्रोड्यूस है उसको क्या कर लेते थे, एज है पब्लिक फाइनेंस, जो भी किंग वगैरह थे, राजा महाराजा थे, वो क्या कर लेते थे, उनसे ले लेते थे, ठीक है। यानी अपन एक तरीके से कह सकते हैं जो टैक्स वगैरह है उनको अपन किसके नाम जानते हैं, पब्लिक फाइनेंस के नाम जानते हैं। प्रेजेंट टाइम में भी है ऐसा टैक्स है जो पुराने समय में भी लिया जाता था, ठीक है। तो दोस्तों अगर अपन ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करें, तो ट्रेडिशनल अप्रोच उन पांच चीजों की बात करते हैं, प्रोडक्शन की, कंजप्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन, पब्लिक फाइनेंस। प्रोडक्शन क्या करता है, ये यूटिलिटी को क्रिएट करता है, यानी कह सकते हैं क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी क्या कहलाता है, प्रोडक्शन कहलाता है। कंजप्शन की बात करें, तो इसके द्वारा क्या करता है, ह्यूमन है ये अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए क्या कहलाता है, कंज्यूम कर लेता है। और कंज्यूम करने के कारण जो भी अपने पास जो गुड्स थे उसकी यूटिलिटी वो क्या होती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, यूटिलिटी क्या होती है, खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट दोस्तों बात करें एक्सचेंज, एक्सचेंज मींस क्या कह सकते हैं, कोई भी एक वस्तु लेना और दूसरी वस्तु देना क्या कहलाता है, एक्सचेंज कहलाता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करें डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन अपन क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, अलग अलग बंटवारा कर सकते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूशन के नाम जानते हैं। पब्लिक फाइनेंस जो टैक्स लिया जाता है उसको अपन किसके नाम जानते हैं, पब्लिक फाइनेंस के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये तो सारा सारा कौन सा हो गया है, ये ट्रेडिशनल अप्रोच हो गई, ठीक है, जिसको अपन पुराने समय के अंदर अपन इकोनॉमिक से बात करते थे। अब दोस्तों अपन अगर अपन बात करें मॉडर्न अप्रोच की, बात करें किसकी बात करें, मॉडर्न अप्रोच की बात करते हैं, सेकेंड अप्रोचेज ऑफ इकोनॉमिक्स है, इसके सेकेंड बात करें, सेकेंड कौन सा है, मॉडर्न अप्रोच है, ठीक है। थोड़ा सा वाइड ये ग्रीन बोर्ड है, इसको क्लीन कर लेते हैं।
ठीक है, बाकी अपने देखने में दिक्कत नहीं हो, ठीक है। और दोस्तों आपको अच्छा लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप किसी प्रकार का सजेशन देना चाहते हैं तो मुझे सजेशन भी दे सकते हैं, मैं इसमें और ज़्यादा क्या कर सकता हूँ, इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ, ठीक है। अगर आपको ग्रीन बोर्ड पर अच्छा लग रहा है तो मैं ग्रीन बोर्ड भी बना सकता हूँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं व्हाइट बोर्ड भी बनाऊँ तो व्हाइट बोर्ड पर भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है, ये आपकी इच्छा है, ठीक है। सेकंड नंबर दोस्तों बात करें मॉडर्न अप्रोच की, बात करें इकोनॉमिक्स का जो मॉडर्न अप्रोच है इसकी दोस्तों अपन क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं, ठीक है। अगर दोस्तों अपन इकोनॉमिक्स के मॉडर्न अप्रोच की बात करें तो मॉडर्न अप्रोच है इसके अंदर इकोनॉमिक्स को टू टाइप्स में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। एक तो कौन सी इकोनॉमिक्स होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है, कौन सी होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, और दोस्तों सेकेंड जो होती है कौन सी होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो अपन दोस्तों ये कह सकते हैं कि दोस्तों जो मॉडर्न अप्रोच है इसके अंदर इकोनॉमिक्स को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स है, सेकंड कौन सा होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है, ठीक है। दोस्तों अगर अपन सबसे पहले बात करें जो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स वर्ड है, ये दोनों वर्ड सबसे पहले 1933 में, कब 1933 में, एक साइंटिस्ट हुआ करता था जिसका नाम था रेगनार फ्रिस, क्या नाम था, रेगनार फ्रिस नाम का साइंटिस्ट था, जिन्होंने सबसे पहले 1933 में माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स वर्ड का क्या किया गया था, यूज किया गया था, या अपन कह सकते हैं इनका कोइन किया गया था, ठीक है। जो मैक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्ड है ये किसके द्वारा कोइन किए गए थे, रेगनार फ्रिस द्वारा 1933 के अंदर कोइन किए गए थे। नेक्स्ट दोस्तों बात करें दोस्तों माइक्रो और मैक्रो दोनों ही वर्ड है, ये ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड है, कौन सी लैंग्वेज के, ये ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड है, ठीक है। जैसे बात करें ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है या माइक्रो की बात करें तो माइक्रो ग्रीक लैंग्वेज के माइक्रोस से मिलके बना है, किससे मिलके बना है, ये माइक्रोस जो वर्ड है इकोनॉमिक्स से मिलके बना है। और इसका अगर बात करें इसका मींस क्या होता है तो दोस्तों माइक्रोस मींस होता है स्मॉल, क्या होता है, स्मॉल या होता है मिलियंथ पार्ट, क्या होता है, मिलियंथ पार्ट, इसको अपन किसके नाम जानते हैं, माइक्रो के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों बात करें मैक्रो की, बात करें तो मैक्रो भी कौन सी लैंग्वेज का है, ये भी कौन सी लैंग्वेज का, ग्रीक लैंग्वेज का है, और ग्रीक लैंग्वेज का ये किससे मिलके बना है, मैक्रोस से मिलके बना है, मैक्रोस। और दोस्तों मैक्रोस मींस अगर देखें तो इसका मतलब होता है लार्ज, क्या होता है, लार्ज होता है, ठीक है, या अपन इसको कहते कह सकते हैं वोल, ठीक है। तो दोस्तों अपन कह सकते हैं माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ये ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड है, माइक्रो माइक्रो से मिलके बना है, जिसका मींस होता है इंग्लिश में स्मॉल या मिलियन पार्ट। और दोस्तों मैक्रो की बात करें, मैक्रो मींस होता है, ये भी ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, मैक्रोस से बना है, और मैक्रोस का हिंदी मींस होता है लार्ज ऑफ वॉल, ठीक है। तो दोस्तों ये पुनः सबसे वर्ड की बात कर ली। अब दोस्तों बात करते हैं माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स है इसमें अपनी स्टडी किसकी करते हैं, ठीक है। जैसे दोस्तों अगर माइक्रो की बात करें तो ये क्या स्मॉल है, जब किसी अपन स्मॉल यूनिट की बात करते हैं, जब सिंगल यूनिट की बात करते हैं तो उसको अपन किस में स्टडी करते हैं, माइक्रो के अंदर करते हैं, यानी अपन कह सकते हैं सिंगल यूनिट की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है। सिंगल यूनिट की बात करें जैसे कि मैं आपकी बात कर लेता हूं, ठीक है, आपके घर वालों ने आपके इस महीने 10,000 रुपये डलवाए हैं, ठीक है, तो इन 10,000 रुपये का आपने कहां कहां क्या यूज किया है, ठीक है, 10,000 रुपये में से आपने रूम रेंट कितना दिया है, खाने पर कितने पैसे खर्च किए हैं, ठीक है, साथ साथ बात करें कितनी आपने सेविंग किए, कितने नोट्स के ऊपर आपने खर्चे किए हैं, ठीक है, कितने रुपए की आपने ड्रेस से खरीदी है। तो दोस्तों ये जो स्टडी है उनके सिंगल यूनिट की बात करते हैं, ठीक है, तो उसको अपन किसके नाम से, यानी इसकी स्टडी किस में करते हैं, अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। और दोस्तों अगर अपन एग्रीगेट की बात करें, किसकी बात करें, एग्रीगेट बात करें, यानी एक साथ बात करें, तो एग्रीगेट स्टडी है वो अपन किसके नाम से जानते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं, ठीक है। और मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इन दोनों की जो प्रिंसिपल है वो तो सेम ही होते हैं, लेकिन दोस्तों इन दोनों की स्टडी है वो क्या की जाती है, अलग अलग तरीके से की जाती है। जैसे कि मैं छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे कि आपका बैंक के अंदर आपका क्या अकाउंट है, कहाँ पर अकाउंट है, बैंक में अकाउंट है, ठीक है, बैंक में अकाउंट है तो आपको पैसे की जरूरत हुई, और इस अकाउंट पर जो भी पैसे थे आपने सारे के सारे पैसे हैं वो बैंक से आपने क्या कर लिए, निकाल लिए, ठीक है, ये क्या हो गया, केवल आपकी स्टडी कर रहा हूँ तो माइक्रो में आ गया। लेकिन दोस्तों अगर पूरी सारे का सारा जैसे भारत देश की बात करें तो भारत के सारे जो बैंक कस्टमर है अगर वो सारे के सारे पैसे अपने विड्रॉल कर लेंगे, सारे के सारे पैसे निकालेंगे, तो दोस्तों अगर बात करें जो बैंक के उनमें क्या आ जाएगा, दिवाली आ जाएगा, क्या हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है, बैंक बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है। तो अपन ये कह सकते हैं प्रिंसिपल तो सेम होते हैं दोनों में, लेकिन इनको लागू क्या करते हैं, अपने अप्लाई अलग अलग तरीके से करते हैं, ठीक है। माइक्रो के अंदर एक आदमी की बात की थी, एक आदमी अपने पैसे निकाले तो बैंक किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन सारे के सारे कस्टमर अगर वो सारे पैसे विड्रॉल कर लें तो बैंक तो क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, उसके पास कोई पैसे नहीं बचेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसलिए अपन इसको क्या करते हैं, मॉडर्न जो इकोनॉमिक्स को टू प्रोसेस पढ़ते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में, सेकंड किस में पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं, इसकी बात करते हैं, इसके अंदर सिंगल जो सिंगल यूनिट है इसकी बात करते हैं, जबकि इसके अंदर एग्रीगेट बात कर लेते हैं, इस एग्जांपल बात कर लेते हैं। जैसे कि मैं बात करूं एक फर्म है, यानी एक फर्म की बात करें, या आप उन बात करें एक इंडस्ट्री है,
ठीक है, इसकी इकोनॉमिक्स की बात करें यानी कितना इनकम हो रही है, कितना ये इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है। या बात दोस्तों हम बात कर सकते हैं कस्टमर की, बात कर सकते हैं किसकी बात कर सकते हैं, एक कस्टमर की क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, ठीक है, कि ये कस्टमर है, ये किस प्रकार से इनकी इनकम आती है और किस प्रकार से ये परचेसिंग करता है, ठीक है। तो ये क्या होगी, जब सिंगल यूनिट की बात करते हैं तो उसको हम किसके नाम जानते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के नाम जानते हैं। और दोस्तों जब अपन मेक्रो इकोनॉमिक्स यानी एग्रीगेट बात करते हैं, एग्रीगेट सेम इसमें एग्जांपल क्या हो सकता है, नेशनल इनकम हो सकती है, ठीक है, यानी पूरे देश की बात कर रहे हैं, यानी नेशनल इनकम हो गई, ठीक है। नेक्स्ट अगर दोस्तों अपन बात करें जैसे GDP होगी, ठीक है, तो अपन पूरे देश की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों अगर इसमें बात करें, ठीक है, टोटल आउटपुट कितना हुआ है, ठीक है, यानी टोटल आउटपुट है, इसकी स्टडी भी किसमें करेंगे अपन, मैक्रो के अंदर करने वाले हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करें टोटल एम्प्लॉयमेंट है वो कितना हुआ है, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों अगर अपन बात करें कि अपने पास जो भी यानी देश की बात करते हैं, बहुत ही लार्ज एरिया की बात करते हैं, तो उसको अपन मैक्रो के अंदर बात करते हैं, जैसे कि नेशनल इनकम हो गई, GDP हो गई, टोटल आउटपुट हो गया, टोटल एम्प्लॉयमेंट हो गया, इन सबकी स्टडी अपन किसके अंदर करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं, जबकि सिंगल यूनिट की किसमें करते हैं अपन, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। अब दोस्तों अपन बात करें कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है इसको अपन प्राइस थ्योरी के नाम से जानते हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स है इसको अपन इनकम थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, क्यों जानते हैं अपन बात कर लेते हैं, ठीक है। दोस्तों अगर अपन बात करें, जैसे मैं आपकी बात कर लेता हूँ, आपके पास जो घर वाले थे उन्होंने आपको 10,000 रुपये दिए थे, ठीक है, तो आप कोई भी अगर परचेसिंग करते हैं या उसको इन्वेस्ट करते हैं उससे पहले आप प्राइस देखते हैं, ठीक है। जैसे आपको 10,000 रुपये लिए तो उनमें से एक आपको क्या करना है, ड्रेस भी खरीदना है, रूम रेंट भी देना है, खाने के भी देने हैं, और साथ साथ थोड़े बहुत नोट्स वगैरह के लिए भी क्या चाहिए, आपको पैसे चाहिए, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको मैनेजमेंट करना है। तो जब भी आप ड्रेस खरीदने जाएंगे तो ये तो होने से रहा कि 5,000 का शर्ट ले लिया, 5,000 की पैंट ले ली, तो 10,000 क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। उस समय आप प्राइस की बात करते हैं, सबसे पहले जाते हैं प्राइस देखते हैं कि मेरे पास 10,000 रुपये हैं, तो मैं सबसे पहले जो भी ड्रेस खरीदेंगे उसकी प्राइस देखते हैं कि ये नहीं हो कि 10,000 से प्राइस वो क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए और मेरे पास महीने के लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं बचे, ठीक है। या जो भी वो रूम लेंडर जो रूम है वो रेंट पे लेते हैं, ये नहीं कि पूरा हाउस ले लें, ठीक है, घर से 10,000 रुपये आ रहे हैं, 15,000 रुपये का आपने क्या ले लिया है, रूम रेंट ले लिया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कर सकते, सबसे पहले अपन प्राइस देखते हैं कि ये रूम कितने रुपये मिल रहा है। तो दोस्तों जब अपन सिंगल यूनिट की बात करते हैं तो हमेशा प्राइस की बात की जाती है, ठीक है। इसलिए दोस्तों जो आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स हैं इसको अपन प्राइस थ्योरी के नाम से जानते हैं, इसके नाम जानते हैं प्राइस थ्योरी के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों अगर मैक्रो इकोनॉमिक की बात करें तो इसमें हमेशा इनकम की बात की जाती है, जैसे देश की बात करें तो इसके अंदर कितनी इनकम हुई है उसके आधार पर क्या किया जाता है, यहाँ पर इन्वेस्ट किया जाता है, ये इनकम के बेसिस पे, ठीक है, यानी इसके अंदर अपन इनकम देखते हैं जबकि इसके अंदर अपन प्राइस देखते हैं, ठीक है। इसलिए दोस्तों जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है इसको अपन इनकम थ्योरी के नाम से जानते हैं, इसके नाम जानते हैं इनकम थ्योरी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये अपन ने बात कर ली कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, ठीक है। तो दोस्तों आज अपन ने बात की थी इकोनॉमिक्स वर्ड है वो कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट अपन ने बात की थी इकोनॉमिक्स के जो इकोनॉमिक्स रिलेटेड जो फादर है यानी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स फादर कौन है, इकोनॉमिक्स कौन है, मॉडर्न इकोनॉमिक्स कौन सा है, और कौन कौन से साइंटिस्ट है जिन्होंने कौन यानी इकोनॉमिक्स को किस तरीके से डिफाइन किया था उसकी बात कर ली। सेकंड बात कर ली जो इकोनॉमिक्स है इसके कितने अप्रोच होते हैं, 2 अप्रोच होते हैं, एक कौन सा होता है ट्रेडिशनल, सेकंड कौन सा होता है मॉडर्न होता है। तो इन अप्रोचेस की अपन क्या कर चुके हैं दोस्तों, बात कर चुके हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस लेक्चर के अंदर आज अपन इतनी बात करने वाले हैं, ठीक है। बाकी जो भी है एक नए टॉपिक के साथ, इकोनॉमिक्स का नया टॉपिक मैं आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर में लेके आने वाला हूँ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर दोस्तों आपका कोई भी सजेशन है, आप कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो आप नीचे जाके क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कि किस प्रकार हम हमारी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर मेरा समझाने का तरीका सही नहीं है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जिसके द्वारा मैं इसको सुधारने की क्या करूँगा कोशिश करूँगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको इतना पड़ेंगे, इसके साथ थैंक यू।